मैं जैन स्थान के अंदर मौजूद है और यहाँ पर जैन समाज के द्वारा जो है कि एक रोटी जो बनाने चपाती बनाने की जो मशीन है उसको लाया गया है। उसके माध्यम से डेली 15 से 20 हज़ार लोगों को भोजन प्रोवाइड करवाने की जो व्यवस्था इन्होंने आज से फिर शुरू कर दी है। निरंतर 18 दिन से इस कार्य को अंजाम देने में लगे हुए थे, परंतु किसी प्रकार से किसी कारणवश भोजन प्रॉपर नहीं पहुँच पा रहा था, तो उस वजह से इन्होंने एक रोटी चपाती बनाने की जो मशीन है उसको पंजाब से लेकर के यहाँ पर आज स्थापित किया है। देख सकते हैं ये जो मशीन है इसका प्रॉपर जो कार्य है, यहाँ से रोटियाँ सबसे पहले तो यहाँ पर जो है आटा जो है उसको बनाया जाता है, उसना जाता है, और उस प्रक्रिया के बाद जब उस आटा बनने के बाद जब उसको अगली प्रक्रिया जो होती है उसको इसके अंदर डाल करके यहाँ से भेजा जाता है आगे की व्यवस्था के लिए, और फिर इसके बाद वहाँ से जो है आटा निकलने के बाद यहाँ पर आता है। आप आगे आ जाए प्लीज। ये आप यहाँ पे देखिए भाई साहब, थोड़ा प्लीज़ एक मिनट के लिए प्लीज़ एक मिनट। ये जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं, कैमरामैन प्लीज़ थोड़ा क्लोजअप करके दिखाए सेट, क्योंकि यहाँ से इसको जो आटे के जो पेड़े होते हैं वो जो वो निकल करके फिर आगे पास होते हैं यहाँ से, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि रोटी फिर यहाँ से बन करके व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से इस प्रकार जो आगे जाएगी फिर यहाँ से, और पूरी व्यवस्था पूरे अच्छे तरीके से एक प्रॉपर तरीके से रोटियों को निरंतर उन लोगों तक पहुँचाने का कार्य यहाँ पर जैन समाज के द्वारा की जा रही है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार जो कि रोटियों की बनने की व्यवस्था आप देख सकते हैं, ऊपर से जाने के बाद यहाँ पर जब रोटियाँ 5 लेयर में पकती है, 1, 2, 3, 4, 5, और 5 लेयर के बाद सीधा नीचे जाती है। इस प्रकार ये हर एक चपाती पुलाव की तरफ है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर उसको यहाँ से निरंतर पैकिंग के लिए तैयार किया जाता है, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। और अभी मैं आपकी बात उन व्यक्ति से भी करवाऊंगा जिन्होंने इस मशीन को ला करके यहाँ पर स्थापित किया है। व्यवस्था के बाद अब हम उस व्यक्ति से बात करवाएंगे जिन्होंने इस मशीन को यहाँ पर ला करके स्थापित किया है, जिन्होंने इतना संघर्ष किया है उन लोगों के लिए, जो लोग भूख प्यास से व्याकुल थे उन लोगों के लिए इतना कुछ किया है। और आप देख सकते हैं कि सरकारी महकमे की गाड़ी भी यहाँ पर जो है यहाँ से भोजन लेकर के जाती है। और सर एक मिनट के लिए आप हमें 2 मिनट और दे दीजिए प्लीज़। सर मशीन आज लगाई है आपने जी, उन लोगों के लिए जो लोग ज़रूरतमंद लोगों के लिए हमने मशीन लगाई है। हमारा जैन समाज का एक ही लक्ष्य है, यही भावना है कि कोई भी पानीपत में भूखा न सोए, इसी लक्ष्य को लेकर के हमने ये मशीन लगाई है। अदरवाइज़ हमारे लिए ये मशीन किसी काम की नहीं है। लेकिन एक खुशी की बात मैं आपको और बता दूँ, हमारे जैन समाज ने निर्णय लिया है कि ये बीमारी जैसे ही ख़त्म हो जाएगी, शांति आ जाएगी, पूरे साल के साल ये मशीन हम 2 घंटे 3 घंटे चलाएंगे, 500 से लेकर 1,000 आदमी तक का डेली जरूरतमंद को हम खाना वितरित करेंगे। जो लोग फुटबाथ पे सोते थे, जो भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं, उनके लिए हम खाने की व्यवस्था डेली व्यवस्था उनको खाना पहुँचाया जाएगा। लॉकडाउन के बाद निरंतर चलता रहेगा, निरंतर चलेगा ये। तो ये जो एक मन में जो विचार आया कहाँ से आया, ये जो भावना जागी हमारा जो जैन धर्म है, शायद आपको भी वाकिफ होगा, एक भावना का धर्म है, अंदर दया भावना का धर्म है। इसी भावना को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि जो भी असहाय लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनकी सेवा जितनी हो सके हम करें। भगवान करवाने वाला है, हम तो नियत मात्र है, सब ऊपर वाला करवा रहा है, हमारा कुछ नहीं है। जनता व्यवस्था की अगर बात की जाए तो काफ़ी मतलब डेली का कम से कम 10 से 15 लाख रुपया खर्चा डेली आता होगा, सही फालतू आता कमाता है। सब ऊपर वाला अपने आप कराता, हमें नहीं पता लगता कहाँ से आता कहाँ नहीं, हम तो सेवा करने में लगे हैं। हम शुरू में 6 आदमी हमारी समाज के, हमने बीड़ा उठाया था कि चाहे कितना भी खर्च हो हम 6 आदमी खर्च करेंगे, लेकिन परमात्मा की कृपा से हमारे पास दान भी बहुत आता है। कोई आटा दे जाता, कोई चावल दे जाता, कोई घी दे जाता है, और जैसे ही पैसे की कमी होती है हम अपने पास ही मिला देते हैं। हमारा एक संकल्प है, जब तक ये लॉकडाउन होगा 15 से 20 हज़ार आदमी का डेली खाना देंगे, उसके बाद हम 500 से 1,000 आदमी का प्रतिदिन
खाना जो है सहाय लोग है फुटपाथ पे सोते हैं उनको खाना वितरित करेंगे। तो अभी जो ये जो टीम है पूरी की पूरी टीम है कितने के मेंबर है इसमें जो इस कार्य को अंजाम देने में आपके साथ आपके सहयोग कर रहे हैं? राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।